अपनी राज्य व्यवस्था अपनी शिक्षण व्यवस्था अपनी घर व्यवस्था अपनी समाज की व्यवस्था ये सारी व्यवस्थाएं भारत के अंदर प्रदीप्त थी और हर प्रकार की कला थी जो रूटेड थी किसके साथ लॉ ऑफ नेचर के साथ सूर्य चंद्र तारा के साथ एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन दिस आराधना एंड साधना हमारी जितनी भी परम सुख परिवार परमानंद परिवार की जितनी भी सिस्टम है इट्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ नेचर एंड प्रेजेंटेड इन अ साइंटिफिक फॉर्म वेर देर इज नो कंट्रोवर्सी वॉट्स एवर सो दिस इज अ सिस्टम ऑफ इंफिनिटी शाश्वत सिस्टम है ये और जो ધ પર્સન હુ ઇઝ સેન વિલ ઇમિજિયેટલી એક્સેપ્ટ ઇટ પર્સન હુ ઇઝ ઇનસેન ઇઝ ઇનસેન સમજાયા નહી જાતા જીસકો સમજના નહીં હે અંગ્રેજી સેન બોલતે હૈ ગુજરાતીમાં એને શાન કહેવાય જે શાનમાં નથી ભાનમાં નથી એને કોઈ દિવસ સમજાવાય નહીં ને જે સમજાવાની કોશિશ કરશો તો માથા દિવાલ સાથે માથા કૂટવા બરાબર છે डोंट मेक एफर्ट्स टू कन्विंस द वन हु डज नॉट वॉन्ट टू गेट कन्विंस ना आपका दोष है ना उसका दोष है उसका बदनसीब है एक दो बार समझा देना है नहीं समझ में आया तो छोड़ देना है किसी के पीछे मत पड़ो समय बलवान है वो अपने आप समझा देगा समय बलवाने सबसे बड़ा गुरु अगर है इस दुनिया में तो वो है समय बोलते हैं ना लातों के भूत खाने दो लात सदगुरु का रोल क्या है ज्ञानी का रोल क्या है कि आपको लात ना पड़े लेकिन आप डेढ़ बने साढ़े तीन गुना बने तो फिर ज्ञानी क्या करे नमो जी आरम भाई खाओ आप लात खाने के लिए पैदा हुए और आपको आश्चर्य होगा ऐसे लोग लात खाकर भी गए हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं मिया की टांग मार खाने के बावजूद भी एक्सेप्टेंस नहीं होता है समझ में आ रहा है कि नहीं हाइट ऑफ ईगो पराकाष्ठा सो जितनी जल्दी हम ये सिस्टम एडॉप्ट करेंगे अप्लाई करेंगे आज चौथा दिन है आनंद उत्सव का दिन है क्यों आज आनंद उत्सव का दिन क्यों है, है? अष्ट विनायक तो हमारे जितने भी अष्ट दूषण है वो सबके ऊपर विजय पाल पा सकते हैं हम और अष्ट मंगल की स्थापना हो सकती है और हमारे अंदर जय 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 घोषणा होती है श्री गजानंद गज गज आनंद आनंद का फुआारा शुरू होगा आज से इस आनंद की लहरिया तो हमारे यहाँ पाठ सौंदर्य लहरी कहते हैं पाठ को सौंदर्य लहरी कहते जो खास करके इस नवरात्रि का की साधना होती है सहस्त्रा दुर्गाष्टक दुर्ग, दुर्गा सब्तपदी। दुर्गा सप्तपदी दुर्गा सप्तपदी मेरे को हमारे एक सेवक ने बोला था इस टाइम आप सुंदर कांड के ऊपर ये सप्तपदी के ऊपर इसमें समझाने बताने जैसा कुछ नहीं है इसके अंदर मात्र गुण 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 है दुर्गा देवी का सहस्त्र नाम विष्णु के सहस्त्र नाम इसी प्रकार ये दुर्गा माँ दुर्गे का ये सप्तपदी यानी सात सात सौ श्लोक है उसे सुंदरकांड कहते सौंदर्य तो इसमें दुर, माँ दुर्गा का गुणगान है वो कम एक साथ एक लय में एक ताल में जब वो चलता है चंदी पाठ बोलते उसे डेढ़ घंटे से दो घंटे में वो सात सौ श्लोक चलते हैं एक रिधम में करना है क्या कभी करेंगे बट मैं वो कांड करने से ज़्यादा ज्ञान कांड में मानता हूँ कि थोड़ा करो लेकिन ज्ञान से करो हमारे रोज इस नवरात्रि शक्ति आराधना नवपद ज्ञान साधना के अंदर हम रोज एक डेढ़ घंटे ज्ञान के ऊपर वजन देते हैं मंत्र भी करते हैं और आरती भी करते हैं ये तीन माध्यम है तीन शस्त्र है हमारे हमारे अंदर जो भी दूषण है दुष्टता है वो उसके ऊपर विजय पाने का इत्री शस्त्र है ज्ञान दूसरा शस्त्र है मंत्र जाप और तीसरा शस्त्र है आरती तो ये त्रिवेणी संगम है आराधना साधना का लेकिन ज्ञानपूर्वक हो तभी जाके उसका संपूर्ण परिणाम मिलने की संभावना है पूर्वक होगा तो हजारों लाखों साल कर लो हाँ ये चंदीपाठ करने वाले नॉर्थ में ये बहुत जबरदस्त परंपरा है नवरात्रि होती है हम लोग तो आरती करते हैं उस सोलह देवियों की आरती जय आध्या शक्ति माँ जय आध्या शक्ति ये गुजरात की परंपरा है लेकिन उसके पहले ये हमारे भारतीय परंपरा में ब्राह्मण परंपरा के अंदर ये स्तोत्र बोला जाता है श्लोक स्वरूप गान स्वरूप चार वेद हैं इसमें से एक वेद है संहिता जिसके अंदर ये गान स्वरूप सब कुछ किया जाता है उस श्लोकों की रचना ऐसी है संस्कृत के अंदर एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक म्यूजिकली अरेंज्ड तो उसका खाली स्वर का उच्चारण हो वो स्वर के उच्चारण से दोष मुक्ति हो जाती है किसी को ज्ञान हो ना हो उस स्वर के उच्चारण से दोष मुक्ति होती है लेकिन जब ज्ञान जुड़ता है तो परिणाम तत्क्षण होता है श्लोक उच्चारण भक्तिपूर्वक हो तो उसका परिणाम मिलता है लेकिन आंशिक मिलता है वन परसेंट टू परसेंट थ्री परसेंट बट वेन ज्ञान कम्स दैट वन पर्सन बिकम्स फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी यू स्टार्ट फ्रॉम लोएस्ट फिफ्टी तो हम जो आराधना साधना कर रहे हैं यहां पर इसीलिए ये त्रिवेणी संगम है ज्ञान प्लस मंत्रोच्चार प्लस आरती मंगल दीपक आपके घर में भी आप करो तो ये आपके जीवन में दिन में दैनिक जीवन में ये जो ये सारा कुछ यूट्यूब पर है तो उसे दिन में एक बार एक पौना घंटा एक घंटा यूट्यूब पर बिताओ हैव दिस सिस्टम ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो ये ये ज्ञान से ही. ये पंद्रह दिन सुनकर फिर वापस भूल जाते हो मैं कल ही एक सेवक को बोल रहा था कि हमारे परंपरा के अंदर परम सुख की परंपरा के अंदर छ महीना का चौमासा होता है अषाढ़ महीने से शिविर शुरू हो जाती थी नौकार मंत्र की उसके बाद श्रावण मास आता था तो श्रावण मास में पंद्रह अगस्त जन्माष्टमी और फिर पर्यूषण महापर्व फिर भादो भादो में वो हमारा पर्यूषण पर्व चलता था उसके बाद गणपति बापा मौर्या और उसके बाद माता जी म, वो माता जी पूरा हुआ वहाँ परमात्मा की देशना कितना सब वो पूरा हुआ उतने में उद्यान तो ये चौमासा ही हुआ ना आज मैं ये सोच रहा था ये कितने साल से चल रहा है लगभग नौ साल से ऐसी गति चल रही है आज ये नौवा साल है इस प्रकार हम जी रहे हैं ये नौवा साल है जब हम बॉम्बे में नहीं रहेंगे दिवाली में दो हजार बारह से शुरू किया हाँ ये नवा साल है तो दिस इज वॉट वी हैव बिन डूइंग एंड दिस सिक्स मंथ्स के अंदर जो भी हमारे जीवन का रोड़ा आता है ना पता ही नहीं चलता आके निकल गया मालूम ही नहीं पड़ता है ऐसे नहीं कि तकलीफ नहीं आती है जो आती है सब समाप्त होकर जाती है जो इसमें टिक गया वो निकल गया जो कर्म में टिक गया वो टिका गया जो कर्म के लपेट में आ गया वो गया काम से तो इतने निमित है हमें बाहर निकलने के कंटिन्यूस और दूसरे छह महीने हमें रिकवरी पीरियड करना बैलेंसिंग पीरियड ये छह महीने में जो साधना की है वो उसको दूसरे छह महीने में उसको रिवाइज करना है वो रिवीजन आता है चैत्री मास में और दो चीज आती है चैतरी मास में नवरात्रि शक्ति आराधना और साथ में महावीर जन्म कल्याण एक कितना सुंदर कितनी सुंदर व्यवस्था है थर्टी फर्स्ट नाइट को वी सेलिब्रेट न्यू ईयर and that from एंड start new year with bang ईयर विथ बैंगी उद्यान करने के बाद कितना अद्भुत है उसके बाद संक्रांति आती है फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे आता है कितना व्यवस्थित सब जुड़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन डे के बाद वैलेंटाइन डे आता है a uh, day of love hmm? remind yourself man that you are born to love nothing but love you are on this earth as a human being just to love first love your own self unconditionally and then only you can love others till you cannot love your own self you damn it you cannot love anybody on this earth if you are disturbed with someone it is simply because you don't love your own self because when you are disturbed whom you are troubling you are not troubling other person you, that is a only byproduct main product is यू आर डिच्ड जब किसी पे गुस्सा आता है कोई भी नेगेटिव विचार आते हैं नेगेटिव इमोशंस आते हैं दूसरे पे आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो और आप इनडायरेक्टली ये भी स्वीकार कर रहे हो कि एनी बडी कैन डिस्टर्ब यू इमोशनली और इंटेलेक्चुअली गेम खेलकर एंड वी बिकम विक्टिम्स ऑफ दिस गेम एंड हु इज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वॉट वी डू हम लोग क्या करते हैं जो मच्छर हमारे सामने आया उसका नाम दे दिया और हमारे जीवन में तो कई बार ऐसा होता है जिसको हम बचाते हैं वही बोलता है भाई इसी ने सब किया है बहुत बार ऐसी घटना हुई एक, एक तो मेरे को ले गया था चौकी में और अरेस्ट भी कराया था बरसात की मौसम थी हम कार चला रहे थे बाजू में एक टैक्सी थी एक लंगड़ा क्रॉस कर रहा था गांधी मार्केट के पास गांधी मार्केट के पास जो सिग्नल है ना वो मेरे एक्सीडेंट की कृपा है वहाँ तभी कुछ नहीं था तो लंगड़े के साथ कोई था साथ में उ का था तो उसने उसके साथ जो था उसको हाथ पकड़ा था वो छोड़ के भाग गया वो टैक्सी ने उसको उड़ा कर और मेरी गाड़ी के सामने आया तो मेरी गाड़ी टच हो गई तो मैंने उसको मैंने रोक लिया और टैक्सी वाला भाग गया मैंने उसको गाड़ी में डाला साइन हॉस्पिटल लेके गया वहाँ जाके वो बोलता है इसने ठोका मेरे को और वहाँ तो पुलिस बैठी होती है आपको अगर मालूम है तो ट्रॉमा वार्ड में क्या और दिन भर केस ऐसे ही आते हैं सब कोई ट्रेन के नीचे गया कोई कूद के गया किसी की कोई, कोई मारा मारी हुई तो उससे डैमेज हो गया इंजर्ड हो गया वो सब आते हैं ट्रोमा में उन म्यूनसिपाली हॉस्पिटल सब ऐसे केस आते हैं उधर झाला साहेब है नहीं उड़ौला तू दारू पिया है क्या तूने तुझे उठाकर अकेला मैं उठाया उसको वो टैक्सी वाला को बोला रोक तो जाए इसको अंदर गाड़ी में डाल वो गाड़ी में डाल के भाग गया तो ये होता है फिर बहुत लंबा चलाओ ये एक घटना बताता हूं जो बता सकता हूं बताने वाली है ऐसे तो मेरे साथ बहुत हुआ है कोई रंज नहीं है कोई गम नहीं है मात्र उतनी करुणा करने की हमारी क्षमता बढ़ती है और हम लोग तो साइन हॉस्पिटल में सेवा करने को जाते हैं तो वहाँ के सब डॉक्टर जानते हैं सब स्टाफ जानता है हमें तो स्टाफ वाले बोले ऐसा हो ही नहीं सकता मां से ही तो हमारे यहां रोज सेवा करने के लिए तब में जाता था रेगुलर तो पुलिस को तो क्या है तो उसका कुछ हिसाब किताब अलग ही होता है सो दिस इज हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स एंड एवरी इंसिडेंट हैपनिंग लाइक दिस इज अ सिग्नल फ्रॉम गॉड बी मोर एंड मोर स्ट्रांग एंड मोर एंड मोर स्टेबल स्थर्य और दृढ़ता बढ़ानी है जैसे 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 इंसिडेंट होते हैं वैसे वैसे हमारी दृढ़ता बढ़ानी है कम नहीं करनी है दिस इज डायनेमिक साधना This is called dynamic sadhana.